हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछे गए हैं, और इनके आंसर शायद ही आपको पता होंगे। तो चलो फिर दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, पीने के पानी का यानी ड्रिंकिंग वाटर का पीएच लेवल लगभग कितना होता है, और इसका सही आंसर है 6.5 से 8.5 के बीच में। सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका संविधान सबसे पुराना है, जो 1789 में बनाया गया था। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो जीके से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी आए जैसे एग्जाम और इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर है श्रीहरिकोटा, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। भगवत गीता में कुल मिला के कितने श्लोक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और इसका सही आंसर है 700। कंप्यूटर कीबोर्ड कि किस की पर उसका नाम नहीं लिखा होता है, तो जीके से रिलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 40,000 अमाउंट के लिए, और इसका सही आंसर है स्पेस बार, जिस पे कोई भी नाम नहीं लिखा होता है। एक नायरा यानी कितने रुपीस होते हैं, तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना होता है, और नायरा जो कि नाइजीरिया की करेंसी है, उसकी आज की वैल्यू है 0.17 रुपीस यानी ऑलमोस्ट 17 पैसे। तो दोस्तों, ये करेंसीज के रेट जो है वो हर दिन चेंज होते रहते हैं, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या इंटरव्यू के लिए जाने से पहले ये सारे रेट जरूर चेक कर लो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि इसरो का पुराना यानी ओल्ड नाम क्या है, और इसका सही आंसर है इनकोस्पार। आईटीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी इंग्लिश वर्ड का फुल फॉर्म बताना होता है, और आईटीआर का फुल फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है, तो दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है करंट अफेयर्स की कैटेगरी में, और इसका सही आंसर है लाइका, जो कि सबसे पहला डॉग है जिसने स्पेस में एंट्री किया था। और दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, किस रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, अगले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि किसने इसका आंसर सही दिया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे 10 जीके के क्वेश्चन जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे आईक्यू के क्वेश्चन, कॉमन सेंस के क्वेश्चन और बहुत सारा जनरल नॉलेज शेयर किया है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।